अब इंटीग्रल डोमेन जो है वो डिफाइंड है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी पे। एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज हैविंग नो जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर, रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। और इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा आई डी। सो एग्जाम्पल्स नंबर वन, जो बुक में वो एग्जाम्पल करेंगे हम, जेड इज इंटीग्रल डोमेन। आपको ये बताना भी है, सो दैट जेड इज इंटीग्रल डोमेन अगर कहता है तो फर्स्ट आपको ये दिखाना है जेड प्लस डॉट इज सी आर यू, नंबर वन। सेकेंड रहेगा ये जेड इज विदाउट जीरो डिवाइजर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो जेड इज विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब हुआ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर इंटीजर, ए बी आर द इंटीजर, सो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। सो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज जीरो देन वन ऑफ देम इज जीरो, या आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर इज अगेन नॉन जीरो इंटीजर। इसका जो निगेशन है, निगेशन पार्ट भी के थ्रू भी आप इसको बता सकते हो, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो गया और ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है ही, सो दिस इज इंटीग्रल डोमेन। सेकेंड जेड आई, क्या ये इंटीग्रल डोमेन होगा? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, फर्दर विदाउट जीरो डिवाइजर ही चेक करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, अगर ऐसा हो जाए, अगर ए बी नॉन जीरो है, अब देखो ये नॉन जीरो एलिमेंट कब होगा, या तो ए नॉन जीरो या बी नॉन जीरो, दोनों जीरो होगा तो ये जीरो एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली सी नॉन जीरो या डी नॉन जीरो या बोथ आर नॉन जीरो, तब भी ये नॉन जीरो होगा। तो सपोज दिस इज नॉन जीरो एंड दिस इज नॉन जीरो, प्रोडक्ट इज जीरो, तो अब पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं सी में क्या होगी, यानी सी की वैल्यू क्या हो सकती है, सी और डी की वैल्यू, वो आप चेक कर लोगे यहाँ पे। जैसे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, ए सी माइनस बी डी, रियल और इमेजिनरी पार्ट भी अलग कर दिया हमने, ठीक है। ये सी आर यू है, कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो। सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ए माइनस बी डी इज इक्वल टू जीरो एंड ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमें रिलेशन चाहिए, एक्चुअली सी और डी की वैल्यू चाहिए। अगर अगर हम यहाँ पे फिर केस बना लेंगे, इफ ए इज नॉन जीरो बी इज नॉन जीरो, क्या सी और डी भी नॉन जीरो हो सकता है, ठीक है। तो सी और अगर सी डी नॉन जीरो हो गया तो प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इट मीन्स दिस इज द जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो देख लेते हैं, सिंपली आप क्या कर दो यहाँ पे, ए सी इज इक्वल टू बी डी और यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू माइनस बी सी, सो डिवाइड कर लो इसको वन और सेकेंड को, वन इज डिवाइडेड बाई सेकेंड, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए अपॉन डी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अफकोर्स सी डी क्या है, इंटीजर है, ये ध्यान रहे, सी डी इज द इंटीजर। अब ये जीरो कब हो सकता है, ठीक है, सी, अब देखो यहां पे अगर आपने डिवाइड किया है इसको, ये भी ध्यान से देखो, यहां पे आपने ए और ये बी अगर आपने डिवाइड किया है तो ये मान के चल रहे हो आप ए और बी नॉन जीरो है, क्लियर है, ए और बी नॉन जीरो है। सो वी आर टेकिंग हियर, शुरू में ले लेते हैं, ए नॉन जीरो एंड सपोज बी नॉन जीरो इन जेड,
बिकॉज ए नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो सी डिवाइड नहीं कर पाओगे आप, ए जीरो होने पे ये क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा। तो एक कंडीशन भी बतानी पड़ेगी हमें, ए नॉन जीरो एंड बी नॉन जीरो अगर है तो वी कैन डिवाइड इट एंड दिस विल बी जीरो, यहां से सी जीरो एंड डी जीरो। सो जो प्रोडक्ट हो रहा है ये आपका एलिमेंट, इफ ए प्लस आयोटा बी नॉन जीरो है तो इट विल बी जीरो। चलो केस आप क्यों ना यहीं पे बना लो, यहाँ छोड़ दो, केस आप लोग यहीं पे अराइज कर दो, क्या बड़ा केस वन, ए नॉन जीरो एंड बी नॉन जीरो तो डायरेक्ट डिवाइड। अगर यहाँ पे ए जीरो केस सेकंड एंड बी नॉन जीरो दोनों के केस में भी डन हो गया, ठीक है, सी प्लस आयोटा डी इक्वल्स टू जीरो आ गया, सो डन। अगर एक जीरो है बी नॉन जीरो है तो यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, यहाँ से सिंपली ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इट मीन्स डी इक्वल्स टू जीरो सी इक्वल्स टू जीरो। अगेन यहाँ से भी सी प्लस आयोटा डी इक्वल्स टू जीरो। नाउ केस थर्ड आप खुद कर लेना, है ना, ए नॉन जीरो एंड बी नॉन जीरो, सॉरी जीरो, एक को जीरो एक को नॉन जीरो लेना है, स्टिल ये ए बी जो है नॉन जीरो ही रहेगा। अगर दोनों जीरो कर दोगे वो केस अराइज नहीं होगा, बिकॉज ये जो भी होगा ए प्लस आयोटा बी इट शुड बी नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। तो यहां से भी आपको सी इक्वल टू जीरो डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सो सी प्लस आयोटा डी इज जीरो। तो वेन एवर वी मल्टीप्लाई ए प्लस आयोटा बी टू सी प्लस आयोटा डी, देन सी प्लस आयोटा डी विल बी द जीरो, सो देयर फोर जेड आई इज द विदाउट जीरो डिवाइजर, क्योंकि किसी भी सभी केस में ये जो मेरा आ रहा है वो जीरो आ रहा है। सो जेड आई मेरा क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। थर्ड आप कर लेंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सो यहाँ पे ये तो लिख ही दूं, दिस इज इंटीग्रल डोमेन, दिस इज इंटीग्रल डोमेन है ये, दिस इज इंटीग्रल डोमेन, ये थर्ड आपको करना है। फोर्थ एग्जाम्पल, जेड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू, ठीक है, इस ये कैसा होगा, ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ टू टाइप का, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो इसको भी आप इंटीग्रल डोमेन शो करना जैसे हमने जेड आई को किया, ठीक है, सेम जेड आई के तरह आपको विदाउट जीरो डिवाइजर शो करना है इसको। एंड फिफ्थ, जेड पी वेयर पी इज प्राइम इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम, ठीक है, प्राइम पी इज प्राइम का है ना, तभी अब यहाँ पे एक्चुअली प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन यूज होगी, तभी मैंने ऑलरेडी पहले ही प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन आपको यहाँ लिखवा दी।